हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट विद मेघा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। सो गाइस, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सदर बाज़ार की रूही मंडी, जहां पे आपको काफ़ी अच्छा ज्वेलरी कलेक्शन मिल जाता है। और संडे के दिन यहां पे आपको रिटेल में काफ़ी अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है और काफ़ी कम प्राइस में। संडे के दिन यहां पे आपको काफ़ी सारा पटरी कलेक्शन देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, एक पीस भी ले सकते हैं। और वैसे अगर आप बाकी डेज़ आना चाहें तो बाकी डेज़ भी आ सकते हैं, यहाँ पे शॉप्स जो है वो ओपन रहती है बाकी डेज़। और यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो आने के लिए मुझे लगता है वो आरके आश्रम लगता है, क्योंकि आरके आश्रम से अगर आप आते हैं तो आपका बाराटोटी चौक भी आपको मिल जाता है, ग्रीन मार्केट भी आपको मिल जाएगा, एंड सदर भी आपको मिल जाएगा, रूही मंडी एंड आपका पहाड़ी धीरज रोड भी आपको मिल जाता है। एक ही रोड पर इतनी सारी मार्केट आपको मिल जाती है और वहाँ से आप काफ़ी अच्छी अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको रूही मंडी में कुछ इस तरह की ज्वेलरी मिलने वाली है जो कि 450 रुपये में थी। अब ये वाली जो ज्वेलरी देख रहे हैं हैवी सी, ये आपको पड़ेगी 550 की रेंज में। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी ज्वेलरी मिल जाएगी। ये वाली जो सामने आप देख रहे हैं 650 की थी। अब ये कुंदन वाली जो आप देख रहे हैं जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रही है, ये आपको 550 में मिल जाएंगी। इस तरह की ज्वेलरी आप यहाँ से ले सकती हैं। कमरबंद आपको लेना है तो यहाँ पर 150 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे कमरबंद आपको मिल जाएंगे। ये देखिए इस तरह के कलेक्शन थे कमरबंद के, बहुत ही अच्छे अच्छे कमरबंद आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, वो भी सिर्फ 150 रुपीज़ की रेंज में आपको मिलने वाले हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आप लोग के लिए। और इन्हीं के पास काफ़ी अच्छी ज्वेलरी का कलेक्शन था। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये 200 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी इस तरह की कुछ, और यहाँ पर जो रखी थी ये 150 रुपीज़ में आपको मिलेगी। इनके पास ब्राइडल ज्वेलरी भी थी। और ये वाली जो नीचे की साइड रखी हुई है ये आपको पड़ेगी 60 रुपीज़ में, यानी 60 रुपये में आपको इतनी अच्छी ज्वेलरी मिलने वाली है। अगर आप लेना चाहें ये सिंपल में आपको मिल जाएगी, सिर्फ 60 रुपीज़ में थी इस तरह की। और इसमें जो है एयरिंग्स भी आपको मिलेंगे साथ में, और इसी में आपको कलर ऑप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको मल्टी में चाहिए या वाइट में चाहिए, सिल्वर में, वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस तरह के चोकर वाले चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 150 रुपीज़ में कुछ इस तरह के। और अब मैं आ गई हूँ दूसरे स्टॉल पर, जहाँ पर सिर्फ 60 रुपीज़ में आपको कुछ इस तरह के सेट मिल जाएंगे। ये वाले जो देख रहे हैं ये आपको 100 रुपीज़ के पड़ेंगे, और ये पीछे भी चोकर वाले जो 100 रुपीज़ के हैं, इसमें आपको मंगटीका भी साथ में मिलेगा और एयरिंग्स भी मिलेंगे। और इसमें जो है ये रखे हुए टीके हैं सिर्फ, जो कि सिर्फ 50, 60, 70 इस तरह के टीके आपको मिल जाएंगे। अगर आपको सिंगल टीका चाहिए तो इस तरह के टीके आप यहां से ले सकते हैं। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये नथ आपको मिल जाएंगी। अगर आपको सिंगल नथ चाहिए, अगर आप ब्राइडल के लिए या अपने लिए लेना चाह रहे हैं, तो ये 50, 60, 70 इस तरह के नथ आपको मिल जाएगी, छोटे में मिल जाएगी, बड़े में मिल जाएगी। इनके पास भी कुछ कमरबंद रखे थे जो कि 100 रुपीज़ और 150 रुपीज़, 300 रुपीज़ ऐसे थे, इस तरह के मिल जाएंगे। देखिए डिज़ाइन बहुत ही आपको मिलने वाले हैं इस मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे जिस भी डिज़ाइन में आप लेना चाहें। अलग अलग स्टॉल पे आपको हर एक जगह बहुत सारे डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। ये देखिए इस तरह के डिज़ाइन आएंगे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये। और इनके पास कुछ इस तरह के भी सेट लगे हुए थे जो कि सिर्फ 60 रुपीज़ में थे, इस तरह के 60 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, विथ एयरिंग्स के साथ आपको मिलेंगे। ये देखिए गोल्डन में आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरह के। ये वाले जो थे ये आपको 70 रुपये के पड़ेंगे, इस तरह के नग में थे, ये काफ़ी मोटे वाले नग होते उसमें थे। इसमें आपको कलर ऑप्शन नहीं मिलेंगे, इसमें एयरिंग्स आपको मिल जाएंगे। अब देखिए इनके पास जो मैंने अभी आपको दिखाए थे ये आपको दो ही कलर मिलेंगे, इसमें एक ये कलर था, एक था सिल्वर में। और गाइस, आपको रूही मंडी में चूड़ों का कलेक्शन बहुत मिलने वाला है। ये वाले जो आप चूड़े देख रहे हैं ये आपको पड़ेंगे 150 रुपीज़ में कुछ इस तरह के। अगर आपको कुछ इस तरह के चाहिए तो ये भी आप ले सकते हैं, जो कि 120 रुपीज़ में थे, और इसमें कुछ लटकन भी लगे हुए थे कुछ में। अब इनके पास ना अलग अलग चूड़े मिलेंगे आपको, जो कि अलग अलग वैरायटी होगी जिसकी, और ये लटकन वाले थे। अब ये नीचे जो रखे हुए ये वाले जो आप देख रहे हैं ये आपको पड़ेंगे 150 रुपये के, जो कि जयपुरी लुक में थे, थोड़े इस तरह के आएंगे। ये देखिए येलो में आपको शेड मिल जाएगा, रेड में आपको मिल जाएगा, और कुछ इस तरह के डिज़ाइन भी थे जो कि सिर्फ 150 रुपीज़ में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चूड़ों की वैरायटी आपको बहुत सारी मिलने वाली है इस मार्केट में। अगर आपको कुछ इस तरह के मंगलसूत्र चाहिए तो ये आप ले सकते हैं यहाँ पर। ये 240 रुपये दर्जन थे, यानी कि आपको 20 रुपये का एक पीस पड़ेगा ये।
और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह के आपको मिलेंगे। ये वाले जो है ये 120 रुपये दर्जन है, यानी 10 रुपये का एक पीस आपको मिलेगा ये वाला। अगर आपको कुछ इस तरह के सेट चाहिए तो ये आपको यहाँ से ले सकते हैं, जो कि 600 रुपये दर्जन था, यानी मैं ठीक हूँ तो 50 रुपये का एक आपको पड़ेगा। और यहाँ पर आपको होलसेल और रिटेल दोनों ही मिल जाता है। संडे के दिन यहाँ पर आपको रिटेल काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाता है। आप देखिए इनके पास ये सारा कलेक्शन था, और यहाँ पे इन्हीं के साथ में ये रिंग का भी कलेक्शन था, और ये कुछ ब्राइडल आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी जो कि फ्लावर वाली। आपको इस तरह की ज्वेलरी मिल जाएगी हल्दी फंक्शन वगैरह के लिए। स्टार्टिंग जो थी ये थी 70 रुपये से, और इस तरह की आर्टिफिशियल अगर आप ज्वेलरी होल सेल में लेते हैं तो वही आपको 50-60 की पड़ती है। अगर आपको कुछ इस तरह की रिंग चाहिए तो ये थी 60 रुपये दर्जन, जो कि आपको पड़ेगी ये 5 रुपये की एक पड़ेगी। इस तरह की मिलेगी, इसमें सिंगल पीस नहीं मिलेगा, आपको पूरा का पूरा दर्जन के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। और इसमें आपको बहुत सारे डिज़ाइन भी मिल जाएंगे, और अगर आपकी कोई शॉप वगैरह है तो आप यहाँ से दर्जन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और सिंगल पीस एक बेच सकते हैं अगर आप बेचना चाहें तो। और इस तरह की आपको इयररिंग्स भी मिल जाएंगे जो कि सिर्फ 20 रुपीज़ में थे, और इस तरह के इयररिंग्स के कलेक्शन भी आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ में इतने अच्छे इयररिंग्स का कलेक्शन मिलने वाला है इस मार्केट में। आप देखिए आपको गोल्डन में चाहिए तो गोल्डन कलर आप ले सकते हैं, अगर सिल्वर में या उसके डाइस में आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं यहाँ से। तो गाइस देख सकते हैं कि आप किस तरह के आपको 20 रुपीज़ में इयररिंग्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप होलसेल में लेते हैं तो उससे भी आपको कम रेट में यहाँ पर काफ़ी अच्छा इयररिंग्स का कलेक्शन मिल जाता है। अगर आपको कुछ हैवी में चाहिए तो हैवी भी यहाँ पर मिल जाते हैं। काफ़ी सारी वैरायटी होती है इयररिंग्स की यहाँ पे। अगर आपको इस तरह के चूड़े चाहिए तो ये क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, इन भैया की मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में जो है चूड़े मिल जाते हैं। ये जो आप चूड़े देख रहे हैं ये सिर्फ 250 रुपये में है, इस तरह के 250 में आपको चूड़े मिल जाएंगे। और देख सकते हैं कि डिज़ाइन, इनके डिज़ाइन काफ़ी अच्छे होते हैं और वैरायटी बहुत ही अच्छी होती है। ये जो है 350 का है, इस तरह के जो रखे हुए ये है 250 रुपीज़ के, इस तरह के आएंगे। और जो ये रखे हुए ये सिर्फ 100 रुपीज़ में आपको मिलने वाले इस तरह के कुछ। ये देखिए ये सिर्फ 100 रुपीज़ में, जिसमें कि 8 का आपको सेट मिलेगा। ये वाला जो है एडी में है, जो कि 300 रुपये का था, ये इस तरह से आएगा। और गाइस इनके पास ना आपको जो है 100 रुपये से लेकर 350 तक की रेंज में काफ़ी अच्छे चूड़े यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे इनके पास कलेक्शन है। ये वाला जो देख रहे हैं ये 300 का था, और इस साइड जो रखे हुए ये 350 इस तरह के पड़ेंगे। और डिज़ाइन आप डिज़ाइन देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे हैं इनके डिज़ाइन। ये सभी 300 में है, इस तरह के कुछ मिलेंगे, और काफ़ी अच्छे इनके डिज़ाइन थे। ये देखिए आपको 300 रुपये में कुछ इस तरह से मिलेंगे। और चूड़े का जो इनके पास डिज़ाइन है वो रजवाड़ी में भी आपको मिल जाएगा, कुछ इस तरह के रजवाड़ी चूड़े आपको मिल जाएंगे इनके पास। ये देखिए डिज़ाइन आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है। ये सभी जो कलेक्शन है ये 250 वाले हैं, ऊपर जो है वो 300 वाले हैं, कुछ एडी में थे इसमें। ये देखिए सारा कलेक्शन है इनकी शॉप का, और ये आपको रूही मंडी में मिल जाएंगे। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ दूसरे स्टॉल पर। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ज्वेलरी का कलेक्शन लगा हुआ था, जो कि सिर्फ 150 से स्टार्टिंग प्राइस थे इनके, और 350 तक के इनके पास आपको काफ़ी अच्छी ज्वेलरी मिल जाएगी। ये वाले जो देख रहे हैं आप ये 200 रुपीज़ के थे, इस तरह से आपको कुछ मिलेंगे। गाइस यहाँ पे ना आप रिटेल में संडे के दिन काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, और संडे के दिन आपको काफ़ी अच्छी ज्वेलरी का कलेक्शन देखने को मिल जाता है रूही मंडी में। और गाइस संडे के दिन ना आपको पटरी कलेक्शन और शॉप कलेक्शन दोनों ही यहाँ पे मिलने वाला है, काफ़ी अच्छे प्राइस में यहाँ पर मिल जाता है आपको। आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी ज्वेलरी है। आप किसी भी आउटफिट के लिए अगर लेना चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं, साड़ी हो गई या लहंगा हो गया, काफ़ी अच्छी ज्वेलरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे जो है रिंग का भी स्टॉल मिला था, जहाँ पे सिर्फ 30 रुपीज़ में, यानी 30 रुपये में आपको काफ़ी अच्छी रिंग मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे रिंग्स है, और सिर्फ 30 रुपये में आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आप अपने आउटफिट के मैच के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, कलर जो भी आपको चाहिए, या फिर आप अदर भी ऐसे लेते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देख सकते हैं कि कितने अच्छे डिज़ाइन है, और कलर में भी आपको यहाँ पर इस तरह की मिल जाएगी, और सिर्फ 30 रुपये में मिल रही है, तो बहुत ही अच्छा है। और रिंग के साथ साथ इन भैया के पास जो है इयररिंग्स के भी कलेक्शन थे, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इयररिंग्स जो कि सिर्फ 80 रुपये में आपको मिलने वाले हैं, आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ से, 80 रुपये में थे। आप देख सकते हैं कि आपको अगर झुमकी वाले लेने हैं तो झुमकी वाले ले सकते हैं, अलग डिज़ाइन में चाहिए तो अलग डिज़ाइन में ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर इयररिंग्स मिल जाते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे इयररिंग्स थे, और काफ़ी हैवी में थे, और सिर्फ 80 रुपये में मिल रहे हैं। अगर आप और मार्केट से लेते हो तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं इस तरह के इयर
ईयरिंग्स अगर आप लेना चाहें यहाँ से तो ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे ईयरिंग्स मिल जाएंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे ईयरिंग्स थे इसमें और बहुत ही अच्छे लगे मुझे इनका ईयरिंग्स का कलेक्शन। और इन्हीं भैया के साथ में ये भैया ने स्टॉल लगाया हुआ था जहाँ पे सिर्फ बिंदी के आपको इस तरह के पत्ते मिल जाएंगे जो कि 10 के 3 थे। 10 के 3 में आपको इस तरह के आपको पत्ते मिल जाएंगे। अगर आप मार्केट से लेते हैं तो 10 का ये 1 पड़ता है आपको, यहाँ पर आपको 3 मिलने वाले हैं। बट जो ये 3 सेट बने हुए हैं इसी में से आपको लेने होंगे, अलग अलग चेंज करके नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कुछ चेन मिल रही थी और आगे जब मैं आई तो मुझे इस तरह के हेयर बैंड देखने को मिले। और यहाँ पे ना बच्चों के लिए आपको इस तरह के हेयर बैंड मिल जाएंगे जो कि दर्जन के हिसाब से मिलेंगे, जो कि 60 के 12 पीस आपको मिलेंगे, एक सिंगल पीस नहीं मिलेगा, तो आपको पूरा पैकेट लेना होगा यहाँ से। तो इस तरह की हेयर बैंड जो है आप बच्चों के लिए यहाँ से ले सकते हैं, कुछ इस तरह के आपको मिलेंगे जिसमें कि सभी में 12 पीस होंगे। कुछ ये प्लास्टिक में आपको मिल जाएंगे, कलर वेरायटी आपको बहुत मिलेंगी, डिज़ाइन भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे और कुछ यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे भी थे। ये देखिए आपको कुछ अगर कपड़े में चाहिए तो कपड़े में भी यहाँ पे मिल जाएंगे इस तरह के। अब ये वाले जो है ये 60 के 12 है, ये वाले 70 के 12 है, अलग अलग रेट में आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पे जो है रबर बैंड भी मिल जाएंगे, ये वाले जो है ये है 60 के, आपको 24 मिलेंगे इसमें। और ये वाले देख सकते हैं इसमें कलरफुल में भी थे। इस तरह के हेयर बैंड और रबर बैंड आपको बहुत सारे स्टॉल पर मिलने वाले हैं यहाँ पे, और सदर बाज़ार में भी काफ़ी सारा कलेक्शन होता है, तो जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से लीजिएगा। देखिए इस तरह के भी आपको कुछ मिल जाएंगे, और ये देखिए आपको इस तरह के कलरफुल भी मिल जाएंगे जो कि सिल्क के होते हैं ये वाले। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह के पर्स मिल जाएंगे जो कि आपको ये पूरा पैकेट लेना होगा। इसमें आपको 60 के 12 पीस मिलेंगे, ये सारे जितने भी ये 60 के 12 है। अगर आपकी कोई शॉप वगैरह है तो आप यहाँ से लेके इन्हें आप बेच भी सकते हैं। अब देखिए ये वाले आपको 60 के मिलने वाले हैं, सभी इस तरह के कुछ मिलेंगे। और जो बैक साइड में रखे थे वो थे आपको 100 के 150 के, इस तरह के मिलेंगे और सभी में 12 पीस आपको मिलने वाले हैं। इस तरह से इनका कलेक्शन था। और थोड़ा सा जब आप आगे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह के ब्राइडल करीरे भी बहुत दुकानों पे देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जो कि 150 से स्टार्ट हो जाते हैं और 250 रुपीज़ की रेंज में आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे करीरे मिल जाएंगे। ये वाले जो देख रहे हैं रेड एंड गोल्डन कलर में थे, जो कि 150 से 250 तक की रेंज में थे। इनके पास कुछ इस तरह के लटकन भी रखी हुई थी जो कि पैकेट बने हुए थे। अब देखिए इस तरह के पैकेट आपको मिलने वाले हैं जो कि 60 के 10 पीस इसमें आपको मिलेंगे। और यहाँ पे ना लटकन के आपको जो है कलर भी ऑप्शन काफ़ी मिल जाएंगे, जिस भी कलर में आप लेना चाहें पूरा पैकेट आपको मिलेगा, सिर्फ 60 रुपये में मिल रहा है गाइस। देखिए इस तरह के लटकन आपको मिल जाएंगे और इन सभी में जो है 10 पीस है, इस तरह के कुछ लटकन लगी हुई थी यहाँ पे, और देख सकते हैं कि आपको इस तरह के पैकेट मिलेंगे। रिन भैया की शॉप पे काफ़ी सारा लटकन का कलेक्शन था। ये जो आप देख रहे हैं 100 से 150 तक की रेंज में आपको मिल जाएगी। अब ये दुल्हनिया वाली जो आप देख रहे हैं ये आपको 150 रुपये की रेंज में पड़ेगी। इस तरह के लटकन काफ़ी अच्छी अच्छी इनके पास लटकन थी। अगर आप लेस लेना चाहें तो लेस भी इनके पास मिल जाएंगे। इस तरह के कुछ बंडल बने हुए थे जो कि आपको इस तरह के बंडल मिलेंगे। अब देखिए ये आपको 20 रुपये के पड़ेंगे जो कि 18 मीटर थी इसमें, इस तरह के कुछ मिलेंगे। पूरे पूरे आपको बंडल लेने पड़ेंगे, ये 20 रुपये का आपको मिलेगा। आप जिस भी तरह की लेस लेना चाहें ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको अलग अलग लेस की अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह के ही देखिए। काफ़ी अलग अलग इसमें डिज़ाइन थे, आप जिस भी डिज़ाइन में लेना चाहें ले सकते हैं, इस तरह की मिल जाएगी। इनके पास कुछ इस तरह के पैकेट भी बने हुए थे जो कि स्टोन के आपको मिल जाएंगे, जो कि 100 रुपीज़ के पैकेट थे। ये देखिए इस तरह के बटन आपको मिल जाएंगे, इस तरह के पर्ल वाले भी आपको मिल जाएंगे जिसमें कि 12 पीस होंगे। ये पूरे पूरे पैकेट आपको इस तरह के मिलेंगे, इस तरह के लेसेस थी इनके पास। और देखिए इस तरह के लटकन आपको मिलेंगे जो कि 250 का जोड़ा था, ये देखिए। और ये भैया के पास सारा ही कलेक्शन आपको लेसेस और लटकन का मिलने वाला है, और ये इनकी शॉप है, ये वाले भैया मिलेंगे मार्केट में। और इन्हीं के बिल्कुल साथ में इस तरह के पैकेट भी लगे हुए थे जो कि ये आपको सेफ्टी पिन के पैकेट मिल जाएंगे 50 रुपये के। इस तरह की जो पिन होती है वो आपको मिल जाएगी जो कि 50 रुपये का था। और ये जो इंची टेप के पैकेट देख रहे हैं ये आपको 60 रुपये का मिलेगा जिसमें 12 पीस होंगे। इनके पास कुछ मशीन का भी सामान था, इस तरह के मशीन के सामान मिल जाएंगे। सुइयां आपको मिल जाएंगे जो कि 50 रुपये के पैकेट थे ये सारे। और इन्हीं के बिल्कुल साथ में इन भैया का स्टॉल मिलेगा जहाँ पे आपको इस तरह के रबर बैंड मिल जाएंगे जो कि 60 के 24 पीस थे। ये वाली जो आप देख रहे हैं ये आपको 30 के 100 पीस मिलेंगे, और कुछ इस तरह के अलग अलग आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। 60 के 100 पीस थे ये वाले बड़े वाले पैकेट में। और यहाँ पे काफ़ी सारा आपको रबड़ बैंड का कलेक्शन मिल जाएगा, ये देखिए इस तरह के भी आपको मिल जाएंगे जो कि 80 के 100 पीस थे। अलग अलग रेट में आपको मिलने वाले, ये 50 वाला पैकेट था। अब इनके पास जो है वो आर्टिफिशियल फ्लावर ज्वेलरी भी आपको मिल जाएगी जो कि 80 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, इस तरह से आपको मिलेंगी।
और ये देख सकते हैं इस तरह के आपको मिल जाएगी, जो कि 150 रुपये का था ये वाला पैकेट। अभी इनके पास जो है इस तरह के कमरबंद भी थे जो कि आपको 150, 200, 250 इस तरह के रेंज में आपको मिलने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरी मार्केट में आपको मिलने वाले हैं इस तरह के कलेक्शन। ये देखिए इस तरह के आपको मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे थे कलेक्शन भी। और इसी के साथ आपको इनके पास जो है जो नेक पीस भी मिल जाएंगे इस तरह के कुछ, ये देख रहे हैं जो कि 150 रुपीज़ के थे। इस तरह के 150 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, कलर भी आपको मिल जाएंगे इसमें काफ़ी। ये देखिए आपको 150 रुपीज़ के ईयरिंग्स के साथ मिलने वाले हैं, और आप कहीं से भी लेंगे सभी जगह आपको ईयरिंग्स के साथ मिलेंगे। अगर आप 100 रुपीज़ से ऊपर का ले रहे थे उसमें मंग टीका भी आपको मिलेगा, और ये वाले जो है देख सकते हैं ये आपको ईयरिंग्स के साथ और मंग टीका मिलेगा, इसमें सेट नहीं मिलेगा, ये 150 रुपीज़ का था। और मार्केट में आपको ये वाले भैया मिलेंगे। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो देखनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।